सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। खादिम पर आलम पनाह की हर ख्वाहिश का एहतराम करना वाजिब है, और ये बताना भी लाजिम है कि फिरदौस मकानी बाबर आजम का नमक बैरम बेग की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। गुलाम अहद करता है कि हक के नमक अदा करने का ये सिलसिला आलम पनाह और उनकी आल औलाद तक कायम रखेगा। सिपे सलार आजम और खादिम शहंशाह दर्दी बेग ये अहद करता है कि अपनी जिस्म जान, अपनी मालो दौलत और अपने मौत और हयात शहंशाह के लिए वक्फ कर देगा। नेक नियत और नर्म दिल बादशाह हुमायूं ने वालिद की वसीयत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाके अपने भाइयों के हवाले तो कर दिए, लेकिन इस तकसीम ने मुल्क की बुनियादों को कमजोर कर दिया। भाइयों के दिलों में भी लालच पैदा हो गया और उन सब की निगाहें आगरा के तख्त की तरफ लग गई। हर तरफ से साजिशें सर उठाने लगी। सबसे बड़ा खतरा अफगान सरदार शेरशाह सूरी पेश कर रहा था, जिसकी बाबत बाबर आजम पेश गोई कर चुके थे। शेर खान ने मिर्जा हुमायूं को चौसा के मकाम पर शिकस्त दी। रब उसका लश्कर सैलाब की तरह दिल्ली और आगरे की तरफ बढ़ रहा था। सितारा शनासी, इल्म नजूम और हाथों की लकीरों के जाल में उलझा हुआ कम नसीब इंसान, मैदान जंग में दुश्मनों की जंगी चालें कैसे समझ सकता है? मिर्जा हुमायूं के कमजोर हाथ ना ताजे मुगलिया की हिफाजत कर सकते हैं और ना हुकूमत की बागडोर संभाल सकते हैं। हुकूमत सिर्फ तलवार के जोर से हो सकती है, और तलवार का जोर सिर्फ कामरान की तलवार में है, हुमायूं की टूटी हुई तलवार में नहीं। बजा इरशाद हुआ भाईजान, हम आपसे 100% मुत्तफिक हैं। फिरदौस मकानी बाबर आजम के अजीम वर्से की हिफाजत के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर कदम उठाना ही होगा। मुगलिया सल्तनत को बचाना हमारा हक भी है और फर्ज भी। ए नखचीर बता तदबीर, दुश्मन गारत दोस्त निहाल, उल्टा है तो यार परेशान, सीधा तो दुश्मन बदहाल। कोई भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा। गुस्ताखी माफ आलम पनाह, हाथों से फेंके गए तीर कभी सीधे निशाने पर नहीं पहुंचते। निशाना सर करने के लिए तीर को कमान पे चढ़ाकर छोड़ना पड़ता है। हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं बैरम बेग, हमें सिर्फ नेक शगुन और अच्छी साथ की तलाश थी। सबसे अच्छी साथ वो होती है मेरे आका, जिसमें बंदा अल्लाह का नाम लेकर राह अमल में कदम रख देता। तो फिर शेर खान के बढ़ते हुए गुस्ताख लश्कर के पेश नजर तुम लोगों का क्या मशवरा है? खादिम का ख्याल है कि यहीं बैठे रहना दुश्मन को अपने घर में दाखिल होने की इजाजत देना है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब भी बचाव का सबसे बेहतर तरीका आगे बढ़कर दुश्मन पर हमला करना ही है। इससे पहले कि दुश्मन हमारे सर तक आन पहुंचे, हमें उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तुम्हारा मशवरा पसंद आया बैरम बेग, क्या तुम नहीं समझते?
कि हमें अपने भाइयों से भी मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए। क्या जहांपनाह का ख्याल है कि वो अब भी आपकी मदद को आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? हमने वालिद मरहूम की वसीयत का एहतराम करते हुए अपने भाइयों को जागीरों के बजाय सल्तनतें दी, उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया। वालिद मोहतरम ने उन्हें भी हमें अपनी जगह समझने और हमारा एहतराम करने की वसीयत की थी। क्या माँ बदौलत गलत कह रहे हैं जौहर? हरगिज नहीं मेरे शहंशाह, हरगिज नहीं। लेकिन गुलाम का एक नाचीज मशवरा है कि दूसरों की ताकत पर भरोसा करने के बजाय अपनी ताकत, अपने वसाइल पर तकिया करना ज्यादा मुनासिब होगा। दानिशमंदी का ये तकाजा है कि मुशीर आजम बैरम बेग की तजवीज पर फौरन अमल किया जाए। तो ठीक है, लश्कर को फौरन कूच का हुक्म दिया जाए। जिल्ले इलाही, आप इस मुकाम को जल्द अज जल्द छोड़ दीजिए, यहां आपकी जान को खतरा है। लेकिन वफादार इंसान कौन हो तुम? मैं बाबरे आजम का पुराना नवखवार और कामरान का लश्करी शमसुद्दीन हूं। आप इस हाथी पर सवार होकर निकल जाइए, खादिम दुश्मनों को यहीं रोकता है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तुम हमसे आकर जरूर मिलना। कन्नौज की जंग में बाजी एक बार फिर शेर खां के हाथ रही। जन्नत आशियानी शहनशाह हुमायूं के वफादार साथी बैरम बेग ने, जिन्हें बाद में खाने खाना का खिताब मिला, दुश्मनों को वफादारी और बहादुरी के कई सबक सिखाए। और कुछ दिनों बाद लखनऊ के करीब धोखे से गिरफ्तार कर दिए गए।
जहां पनाह की जफरमंदी में इजाफा हो। मिर्जा हुमायूं तो फरार हो गए, लेकिन आपके जानिसार उनके सबसे वफादार साथी और दस्ते रास्त बैरम बेग को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। बेअदबों, गुस्ताखों, क्या तुम नहीं जानते बहादुरों की तोहीन करना बदकिस्मती की पहली निशानी है? बैरम बेग जैसे सूरमा को आम कैदियों की तरह पापस्ता जंजीर और रसन करके हमारे दरबार में लाने की तुम्हारी जुर्रत क्यों कर हुई? इन्हें फौरन जंजीरों से आजाद किया जाए। बैरम बेग, आपकी आजादी का एहतराम हम पर वाजिब और आपकी बहादुरी का एतराफ हम पर लाजिम है। अपने सिपाहियों से हुई नादानी और गुस्ताखी पर माँ बदौलत को नदामत है। अच्छे सिपाही अपनी बादशाह की नजरों के इशारे और दिल के इरादों से बखूबी वाकिफ होते हैं। इन सिपाहियों का कोई भी कसूर नहीं, इन्होंने शायद वही किया जिसका इन्हें हुक्म दिया गया था। फिर भी आलीजाह की इनायत का शुक्रिया। हीरे की कदर कीमत या बादशाह जानता है या चोहरी। बाखुदा, हमने मिर्जा हुमायूं को एक कमजोर हुक्मरान और पुस्तिर इंसान से ज्यादा नहीं समझा। हुक्मरानी जिसके लिए बोझ और जंग जिसके लिए वबाले जान हो, लेकिन आप जैसे काबिल, लायक, सीरक और बहादुर साथी का इंतखाब करके हुमायूं मिर्जा ने पहली बार ये साबित किया है कि वो एक बादशाह भी हैं और आदम शनास जोहरी भी। हमें बेतकल्लुफ गुफ्तगू करने की आदत है और साफ गोई की मश्क। बैरम बेग, अगर हमारी तलवार की ताकत में तुम्हारी दानिशमंदी और जहानत भी शामिल हो जाए तो यह तलवार दो धारी हो जाए, और खुदा की कसम हमारे इकबाल का कद इतना बुलंद हो जाए कि जिसका साया मुल्क के फरंग की सरजमीन तक पड़ने लगे। हम तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। किसी बादशाह का बड़ा हुआ हाथ थामना किसी भी शख्स के लिए फख्र और इज्जत का बायस होता है आलीजाह, लेकिन इन हाथों ने बाबरे आजम की उस बख्शी हुई तलवार को थामा है जिसने मरते दम तक शहंशाह हुमायूं की हिफाजत और हिमायत करने की कसम खाई है। इन हाथों को न तो किसी और शय की जरूरत है, न कोई और शय इन हाथों को जेब देगी। हमें अफसोस है। कोई बात नहीं बैरम बेग, कुदरत हम पर मेहरबान है, उसने हमें बहुत वक्त दिया है। तुम्हें सोचने और अपना फैसला बदलने में जितना वक्त दरकार हो हम तुम्हें इनायत कर सकते हैं। गुस्ताखी माफ अलीजा, इंसान यह समझता है कि उसके पास बहुत सा वक्त है, और वक्त वक्त यह समझता है कि इंसान बहुत फजूल खर्च है। वक्त तो वो बेश कीमत दौलत है अलीजा, जिसे ना आप जैसा बादशाह जाया कर सकता है और न मुझ जैसा मामूली आदमी। बैरम बेग के फैसले और इरादे मौसम नहीं है जो गुजरते हुए वक्त के साथ तब्दील हो जाए। नादान इंसान, शायद तुम्हें हमारे मिजाज का अंदाजा नहीं। थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ। आलीजा ने चंद ही लम्हों में एक जहीन को नादान करार दिया। गुस्ताख, तुमने हमारी तोहीन की है। जानते हो इसकी सजा क्या है? अगर इसकी सजा बैरम बेग के सर की उसके जिस्म से अलायदगी है, तो बा खुदा बैरम बेग इसे अपनी वफादारी का इनाम समझेगा। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। इसने मां बदौलत की गुफ्तगू की नरमी देखी है, हमारी फितरत की गर्मी नहीं देखी। इसे कैद खाने की तन्हाइयों के हवाले कर दो, शायद मजीद तन्हाइयां इसकी अकल को राह रास्त पर ला सके। ले जाओ इसे। सरदार अमीर अली, आप हमारे मुशीर खास हैं, आप ही बताएं क्या वो शख्स हिंदुस्तान जैसी अजीम शान सल्तनत की बादशाही के काबिल है जो एक मामूली सक्के को
अपनी जान बचाने के इवज मुल्क का एक दिन का बादशाह बना दे? हरगिज नहीं सुल्तान, ये फैयाजी नहीं नादानी है। हम कहते हैं कि वो उसके लिए सोने का महल बनवा देते, उसकी सात पुश्तों को मालामाल कर देते, लेकिन बादशाहत, बादशाहत इनाम और खैरात में बांटी जाने वाली चीज तो नहीं। बजाय इरशाद हुआ अलीजा। अगर मिर्जा हिमायूं के कमजोर हाथ हुकूमत के वैशी घोड़े की लगाम थामने के काबिल नहीं रहे तो फिर क्या गलत होगा कि हम अपने मजबूत और तवाना हाथों को हरकत में लाएं? आखिर हम में किस बात की कमी है? अगर सुल्तान की इजाजत हो तो गुलाम इससे आगे बढ़कर एक और बात अर्ज करे। जरूर अमीर अली, जरूर। आपके मशवरों ने हमेशा हमारी मदद की है। दुनिया का दस्तूर है कि वो चढ़ते हुए सूरज की पूजा करती है, और आज का चढ़ता हुआ सूरज शेर खान है। खादिम का ख्याल है कि आपके हौसलों की तकमील में शेर खान आपकी काफी मदद कर सकता है। अगर सुल्तान शेर खान की मदद हासिल कर लें तो मंजिल और भी आसान हो सकती है। वक्त की गर्दिश और अपनों की बेवफाई के मारे हुए बादशाह हुमायूं को अचानक महसूस हुआ कि कन्नौज की शिकस्त के बाद उन पर हर रास्ता और हर दरवाजा बंद है। सल्तनत मुगलिया की वो शमा जो बाबर आजम ने अपने खून जिगर से जलाई थी, हवा के बेरहम झोंकों की जद में थी। भाइयों की बेवफाई के बावजूद उन्हें सहारा भी उन्हीं का लेना पड़ा। उन्होंने मिर्जा हिंदाल की तरफ जाने का फैसला किया। मिर्जा हिंदाल ने बजाहिर बड़े भाई का बड़े प्यार से इस्तकबाल किया, और ये दिखाने के लिए कि वो अब भी उनके वफादार हैं, मोहब्बत और खुलूस में किसी तरह की भी कमी नहीं की। खुश आमदीद बरादर मुकर्रम, चश्मे मा रोशन, दिले माशाद। शादबाश शिंदाल, हमने सुना था कि तुम हमारी आमद का सुनकर कंधार चले गए हो। यकीनन ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी बरादर मुअज्जम। आला हजरत ने ऐसी बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन कैसे कर लिया? यकीन तो नहीं किया, लेकिन तजुर्बा गवाह है, जब मुसीबत के बादल छाए हों तो अपना ही साया अपना साथ छोड़ देता है। इसीलिए शुभा जरूर हुआ था। खैर, सुना है मादरे मोहतरम यहीं तशरीफ फरमा है। जी हाँ बरादरे मोहतरम, वो यहीं तशरीफ फरमा है और बड़ी बेकरारी से आपका इंतजार फरमा रही हैं। हम भी उनके कदम बोसी के लिए बेचैन हैं। तशरीफ लाइए। दिमागा बचा लाता है छोटी अम्मी जान। जीते रहिए, खुश रहिए, दौलत ज्याद और इकबाल बुलंद हो। एक मुद्दत से निगाहें आपको देखने को तरस रही थी। बाखुदा हम खुद भी आपकी खिदमत में हाजिर होने को बेकरार थे, लेकिन हालात ने इजाजत ना दी। हमें इल्म है शेर शाह के शब खून और बैरम खान की अफसोसनाक गिरफ्तारी की खबर हम सुन चुके हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है फिरजंदे अर्जुमंद। वक्त कम जर्फ और कम हिम्मत लोगों के इम्तहान नहीं लिया करता। आजमाइशें तो आसमान से उतरती ही अजीम लोगों के लिए हैं। आप हौसला रखिए, हमें यकीन है कि नहुसत के बादल आफ्ताब बाबर की रोशनी बहुत दिन तक रोक नहीं पाएंगे। शुक्रिया मादरे आलिया, हमें आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। माँ की मोहब्बत औलाद के लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है। हमारी दुआएं तो आखिरी सांस तक आपके लिए हैं। हिंदाल और आप हमारे लिए दो आंखों की तरह हैं।
दरीचे शक अम्मी जान, बल्कि आपने तो आलम पनाह को हमसे भी अजीज तर ख्याल किया है। सफर की तकान आपके चेहरे से आया है मेरे बादशाह। मेरे ख्याल से अब आप कुछ देर आराम फरमा लें, लेकिन रात का खाना हमारे साथ ही तनावुल फरमाए। तमाम अजीजदार और बेगमार आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। जो हुक्म छोटी अम्मी जान, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा रुखसत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, तुम भी मकुन, निगाहे रूबरू, शहंशाहे हिंदुस्तान, मिर्ज़ा हुमायूं तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ लाइए। यहां मौजूद बेशतर सूरतें तो हमारे लिए मानूस और आशना हैं। यकीनन मेरे शाह, आपकी चची बीबी निका, फूफी निगार आगा, आपकी खाला बीबी दौलत बख्श और दूसरी खाला असद बेगम। आज हवा बहुत तेज है, शम्मे दोबारा रोशन की जाए। अंधेरे को उजाले में बदलने वाली इस सरापानूर दोशीदा को हमने पहचाना नहीं छोटी अम्मी जान। ये मीर बाबा दोस्त की दुख्तर नेक अख्तर हमीदा बानो बेगम है। इसके अदब व अखलाक ने हम सबको अपना गर्वीदा बना रखा है। बहुत खूब। दरअसल इनका कुनबा हमारे ही खानदान की एक शाख है। इनका ताल्लुक मशहूर जमाना सूफी बुजुर्ग अहमद जाम जिंदा पील से है। जिंदापील, अहमद जाम। हाँ, हमने भी उनके कशफ व करामात का शोहरा सुना है।
ऐ खुदा, घर गया, दर गया, तख्त गया, ताज गया, अब तो मेरे दामन में खोने को कोई भी शह बाकी नहीं। ये बता, और कितने इम्तिहान अभी बाकी हैं? उठो, जवान मर्द बनो, हिम्मत से काम लो, रंजो कुलफत की घड़ियां खत्म होने को हैं। वक्त के आसमान पर उम्मीद का सूरज निकलने ही वाला है। अल्लाह तुम्हें बेटे की शक्ल में एक ऐसा नगीना देगा जो कोहे नूर बनकर चार दांग आलम में अपनी ही किरणें बिखेरेगा। फरजंदे दिलबंद का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखना। ए फरिश्ता सूरत बुजुर्ग, ए पीरिताना, कौन है आप? सूफी जिंदा पीर अहमद जाम है तुम्हारा फर्जंद, हमारी ही नस्ल से पैदा होगा। नोश फरमाए। सुन भी रहा है ये सहरा मेरी नवा की तरह है बेअसल मेरा नाला घड़ियां तमाम कब
तस्लीमात छोटी अम्मी जान। आइए। मिजाज दुश्मन अब आखैर, आंखों में रात की नींद का खुमार अब तक बाकी है? कोई खास बात तो नहीं मादरे आलिया। हाँ, रात नींद भर सो नहीं सके। खैर बाशत, क्या हुआ? अमी जान, वो दुशीता जिसने कल शाम शमे गुल होने पर दोबारा फानूस रोशन कर दिए थे, क्या नाम बताया था आपने उसका? हमीदा बानो बेगम, आखिर बात क्या है? ना जाने क्यों अमी जान, हमें उसी वक्त से ये महसूस हो रहा है कि उसने खेमे को रोशन नहीं किया था, बल्कि अपने वजूद से हमारी जिंदगी के अंधेरों में चिरागा कर दिया था। क्या ऐसा मुमकिन नहीं अमी जान कि हम उसे एक बार फिर देख सकें? कुर्बान शवम, महज इतनी सी बात। तस्लीम। हमीदा बानो बेगम को पैगाम दो कि बादशाह सलामत उन्हें याद फरमा रहे हैं। जो हुक्म मलिका आलिया। साहबजादी, हुजूर शहंशाह आपको तलब फरमा रहे हैं। हमें क्यों बुलाएंगे? हमसे उन्हें क्या काम हो सकता है? तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा, उन्होंने भाईजान को तलब किया होगा। खास तौर से आप ही का नाम लिया है, कोई काम होगा तो आप ही से होगा। हम एक बार बादशाह की हुजूर हाजिरी दे चुके हैं, दोबारा उनके सामने जाना ना महरम के सामने जाने के बराबर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं बानो? बादशाह की तलबी है, कोई मजाक नहीं। हम कब कह रहे हैं कि मजाक है? तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वही जो हमने कहा। लेकिन बानो, कह देना उन्हें कि हमने आने से इनकार कर दिया। हमीदा बानो नहीं आई? हुजूर, वो तो अल्फाज दोहराओ, क्या कहा उन्होंने? साहबजादी ने आने से साफ इनकार कर दिया। साफ साफ बयान करो। उन्होंने कहा नामे हरम के सामने बार बार नहीं आती। मादरे मेहरबान, माँ बदौलत इस लड़की को अपनी मलिका बनाकर इसे महरम करना चाहते हैं। हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाए। तस्लीम मलिका आलिया। जीती रहो, खुशबख्त हो, आओ हमारे पास बैठो। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मलिका आलिया। अच्छा, एक बात बताओ हमीदा, तुम्हारी नजरों में हमारा मर्तबा क्या है? जी मलिका आलिया। नहीं, मलिका आलिया के अलावा। कनीज ने हमेशा आपको मिसल माँ की जाना है। खुदा आपका साया ता कयामत हमारे सरों पर कायम रखे। आपकी अक्ल फरासत हमेशा ख़ानदान की रहनुमा रही है।
तुम्हारी सआदतमंदी से हम खुश हुए। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे ख़ानदान का हर फर्द शादमा और खुशहाल रहे। हमें इसका एतराफ़ है मलिका आलिया। देखो बेटी, हमारा ख्याल है कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तुम जैसे खूबसूरत और खुश सलीका लड़की के लिए खुद बादशाह मिर्ज़ा हुमायूं से मौजूबर और कोई नहीं हो सकता। अहम बात यह है कि एक शहंशाह ने यह तजवीज़ मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर पेश की है, इसीलिए गौर व खौज के बाद हमने तुम्हारी और तुम्हारी वालदा की तरफ से शहंशाह का यह पयाम कबूल कर लिया है। तुम मलिका बनोगी, मलिका हिंदुस्तान, सल्तनत मुगलिया की। तुम्हारे सामने ज़र जवाहरात के अंबार होंगे और तुम्हारे पीछे खुद्दाम और कनीज़ों की फौज। तुम्हारा बेटा शहंशाह हिंदुस्तान बनेगा। आपने फैसला सादर ही फरमा दिया है तो कनीज की क्या मजाल कि वो लब पे हरफ इनकार भी लाए। जुग जुग जियो, अल्लाह करे तुम्हारा हर रोज रोज़ ईद और हर शब शब बरात हो। सलाम। हमीदा बानो बेगम, आपका अख्ते निकाह शहंशाह हिंद मिर्ज़ा मोहम्मद हुमायूं वाल्द मिर्ज़ा बाबा शाह के साथ बेवज मुबलिक 2,00,000 दिनार सुर्ख मेहर मौजिल किया जाता है। आपको कबूल है? आपको कबूल है? कबूल। अस्सलाम वालेकुम। मुंह दिखाई के लिए आईना पेश किया जाए। Thank you.
आपकी आमद बिल्कुल नसीमे सहर की आमद की तरह होती है। जब तक बदन को छू न ले आने की खबर ही नहीं होती। तशरीफ लाइए।